बच्चों आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.2 देखेंगे। इसके पहले हमने 6.3 कंप्लीट किया था। आपके कोर्स को थोड़ा कम कर रहे हैं इसलिए अब हम आते हैं 7.2 पर। इसमें लिखा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द ईच ऑफ फ्लोइंग नंबर्स बाय प्राइम मेथड, सन मेथड। ठीक है, 64, 512 ऐसे करके क्वेश्चन दिए गए हैं। हमने पहला क्वेश्चन लिखा 64, इसका क्या करना है, फंक्शन निकालना है। 64 का पावर 1, 5, 6, 2, 5। इसके दो क्वेश्चन मैं आपको करवा दे रही हूँ और बाकी क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर देंगे। अब हम आते हैं 64 को क्या करना है, डिवाइड करना है। किससे जाएगा, 2 से जाएगा। कैसे, 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। हमको तब तक डिवाइड करना है जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए, जैसे कि हमने यहाँ आपको करके बताया। अभी हम स्क्वायर में क्या करते थे, दो दो का पेयर बनाते थे। इसमें हमको क्या करना है, तीन तीन के पेयर बनाना है। हमने लिखा 64, या क्या आया, 2 × 2 × 2 × 2, 6 बार लिखा है। अब इसमें कितने के पेयर बनाना है, तीन तीन के। अभी तक हम स्क्वायर में कितने के पेयर बनाते थे, 2 2 के। इसके बाद के स्टेज में आपको यहाँ करवा दे रही हूँ। हमें लिखे 64 क्यूब, यहाँ पे हम स्क्वायर में लगाते थे, हमने यहाँ पे लिखे क्यूब। 3 को क्यूब बोलते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे क्यूब लगा तो यहाँ से और यहाँ से 3 हट गया, 2 2 4, ठीक है। ऐसे अब हम इसको करके देखते हैं, ये 2 से जाएगा क्या, 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, 4 से भी नहीं जाएगा, राइट 5 से जाएगा। कैसे, 5 3 15, 5 1 5, 5 2 10, और 5 5 25, ठीक है, समझ में आ गया। अब दोबारा भी ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा। कैसे, 5 6 30, 5 2 10, और 5 5 25, फिर 5 से देते हैं, 5 1 5, 5 2 10, और 5 5 20, फिर 5 से देते हैं, 5 2 10, 5 5 20, फिर 5 से देते हैं, 5 5 20, फिर 5 से देते हैं, 5 5 1। कब तक देना है, मैंने आपको बता दी, तब तक डिवाइड करना है जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए। कितने बार 5 आया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितने के पेयर बनेंगे, 3 3 के। कितने पेयर बने, 2 बने। देखिए 5 की पावर 3 × 5 की पावर 3, तो क्या देखिए, हमने क्यूब 15 625 = 5 × 5 = 24। ऐसे करके आपको सॉल्व कर लेना है। 7.2 के फर्स्ट का, फर्स्ट और फिफ्थ, ये फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, मैंने आपको करा दी, बाकी क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करके देखेंगे और इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। ये पेपर में आएंगे इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे और सॉल्व कर करके देखेंगे, ठीक है। ये हुआ 7.2 कंप्लीट। अब हम आते हैं, अब हम मिलेंगे आपको इसी के नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 के साथ, ठीक है। 8.2 पढ़ाऊंगी मैं आपको डायरेक्ट इसके बाद, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है इसलिए 8.2 और 8.3, ठीक है। आप होमवर्क कंप्लीट करिए,
थैंक यू।